बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा है कि राजनीति को छोड़ विकास को स्वीकार करें, और इसके साथ उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था हो वो दीप जलाए। अयोध्या में विकास की तस्वीर हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। इकबाल अंसारी जी, आप बताइए विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या का विकास तो बहुत अच्छा है। अयोध्या में विकास बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने भी जो हमने तो बहुत बार कहा कि मुकदमा मंदिर मस्जिद का है, लेकिन विकास पे नहीं है। आज विकास जो है हो रहा है, हो गया है। एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे स्टेशन बन चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, लोगों के मकान बन चुके हैं, राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर भी बन चुका है। अब अयोध्या में कोई कमी नहीं लोगों के लिए। अब जो है अयोध्यावासी खुश भी होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार की सराहना भी होगी। कई लोग राजनीति भी कर रहे हैं इस पर, तो ऐसे लोगों को इकबाल अंसारी का संदेश क्या है? उनको तो निमंत्रण मिल गया है, अब जो मुसलमानों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सवाल यहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई मुकदमा नहीं। आज शांति का माहौल है, अब मंदिर बन चुका है। अब हम लोगों को सलाह देते हैं कि इस जो है वो नेता चाहे जो चाहे जिस जात का हो चाहे जिस बिरादरी का, हम लोगों को एक सलाह देते हैं कि अब मंदिर का काम शुरू हो गया है, मूर्ति पूजा होने जा रही है, अब राजनीति करने की जरूरत भी नहीं है। इकबाल अंसारी की नसीहत है राजनीति करने वालों को जो राम मंदिर के नाम पर बयान के रूप में कर रहे हैं कि वो अब इस राजनीति से दूर रहें और इस विकास को स्वीकार करें।